नमस्कार, आप देख रहे कलम न्यूज़। उत्कृष्ट स्वतंत्रता सेनानी हनुमाना राम मेघाणा नौहर के आज प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला से अचानक मिलने पहुंचे और हनुमानगढ़ में आकर उन्होंने मुलाकात की है और प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि पेंशन प्रकरण के अंदर नियमों के शिथिलीकरण का लाभ देकर तुरंत प्रभाव से उन्हें पेंशन व अन्य परिलाभ दिए जाएँ। आपको मामला बताते हैं कि हनुमानगढ़ जिले के नौर के गांव मेघाणा के हनुमाना राम जो कि स्वतंत्रता सेनानी, वे बता रहे हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लाहौर जेल में अमानवीय यातना सहने व स्वतंत्र भारत में सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की ओर से युद्धों में घायल होकर घर बैठने तथा नियमों में अनभिज्ञता के चलते पेंशन व अन्य परिलाभ के लिए आवेदन पत्र उस समय न कर सकने के कारण स्वतंत्रता सेनानी व सेना की ओर से दी जाने वाली पेंशन से वे अभी तक वंचित हैं। अभी तक उनको पेंशन नहीं दी गई है और उन्हें पूरे सबूत पेंशन पत्रावली व अन्य सबूत जो है वो प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला को भी सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी राज्य सरकार को लिखा जा चुका है, परंतु अभी तक मेरी जो पेंशन है वह अन्य लाभ है वो मुझे नहीं मिले हैं, इसलिए मेरे को आप जो हस्तक्षेप कर सरकार की तरफ से नियमों में संशिथिलीकरण कर मेरे को पेंशन व अन्य परिलाभ दिलाएं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जेल के अंदर भी अमानवीय यातनाएं सह चुका हूं, स्वतंत्र भारत के लिए मैंने जो है जेल की हवा भी खाई है, जेल के अंदर काफ़ी समय तक मैं रहा हूँ और इसलिए मेरे को जो पेंशन है और परिलाभ है वो सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए। अब देखना होगा कि प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला के समक्ष यह मामला पहुंचा है, लाहौर जेल में बंद रहे व्यक्ति का मामला पहुंचा है और भारत को स्वतंत्र कराने में उन्होंने जो योगदान दिया है ऐसा मामला पहुंचा है। अब देखना होगा प्रभारी मंत्री इस संबंध में क्या कार्रवाई करवाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।